हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। तो बहुत सारी वीडियोस आज मैंने बना डाली। इस वीडियो को बनाने से पहले, जबकि बनाना मैं ये वीडियो चाह रही थी सबसे पहले, ये मैंने जो ड्रेस पहनी है ना, तो इसी के बारे में थी ये वीडियो। दिस इज सुपर ब्यूटीफुल ड्रेस, तो पूरा दिखाती हूँ एक बार और फिर बताती हूँ कि ये मैंने कहाँ से ली है और किस रेंज में ली है। ठीक है, सी प्योर कॉटन की ड्रेस है, ये प्योर कॉटन है और इस पे ये गोटा पत्ती का वर्क है। तो पहले सिर्फ ये कुर्ती दिखाती हूँ। इसकी कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस तरह की कुर्ती है इसकी, पूरी फ्लो टच है, कंप्लीट फ्लो टच कुर्ती है इसकी। है आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस में भी देख लोगे। और इस तरह का काम है इसमें, मतलब पीछे से तो प्लेन है। और मैंने ये मंगवा ली थी, मतलब मैं इतनी लॉन्ग लॉन्ग कुर्तियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मैंने ले ली 2-3 गलती से। लेकिन ये कुर्ती मैं सोच रही थी रिटर्न कर दूंगी, लेकिन आने के बाद ना रिटर्न करने का मन नहीं हो रहा। ये है ना प्रिंट है, तो प्रिंट मैंने ये सोचा कि चलो इसको एक बार वॉश करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, कुर्ती का साइड का एक कोने का थोड़ा सा कपड़ा लेके और उसको बहुत जोर से रगड़ रगड़ के वॉश करने की का ट्राई किया, तो वो निकला नहीं। तो उससे मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं इस ड्रेस को रिटर्न नहीं कर रही हूँ, इसको मैं रख रही हूँ। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में कम है, तो इसको ऐसे पहन सकते हो। ठीक है, बाकी कुर्ती बहुत अच्छी है करवा चौथ पे और अभी दिवाली पे, दिन भर भी पहन सकते हो, शाम को भी पहन सकते हो अच्छे से रेडी होके, जैसे मैं अभी रेडी हुई हूँ। और ये चूड़ियाँ हैं मेरी जो मुझे कोटा से मम्मी ने दी थी, हमारा चूड़ियों का बिजनेस है ना, तो आपको पता ही होगा, तो ये सब वहाँ से मिलती है मुझे। तो अभी और जाऊँगी कोटा, जब कोटा अभी और जाऊँगी तो फिर और चूड़ियाँ लेकर आऊँगी। ओके, तो ये इस ड्रेस की बात थी। ये मीशो से लिया है मैंने और इसका कोड मैं आपको डाल दूँगी इधर। और प्राइस इसकी है 732। मैंने लिया है। अब प्राइस का ऐसा होता है कि प्राइस अप डाउन होती रहती है, तो वो सबका अलग है। कई बार मेरा खुद का भी ख़राब होता है, मैं खुद महंगा खरीद लेती हूँ और थोड़े दिन बाद ना वो सस्ती हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। मुझे तो ये कुर्ती बहुत पसंद आई, इनफैक्ट मैंने मंगाई थी तब मैंने यही सोचा था कि मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, बट अब मेरा मन नहीं हो रहा इसको रिटर्न करने का। तो अब मैं आज दिन भर के काम में आगे बढ़ती हूँ, ये सब निकाल देती हूँ। और वैसे आज नवरात्रा है ना, तो इसलिए भी पहले मैंने कहा चलो पूजा वूजा करेंगे तो इसलिए पहले। और अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई थी, वो लड़के वाला लड़की को देखने आता है, तो एक्चुअली उसका प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देती हूँ। ठीक है, पहली बात तो वो वीडियो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना लड़के के ख़िलाफ़ है, ना लड़की के ख़िलाफ़ है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। इट वॉज़ अ सिचुएशन जब ऐसा हुआ, और उसमें ये हुआ था कि वो लड़का मेरी सिस्टर को देखने आया था, कज़िन को तो देखने आया था, मतलब आने से पहले से जान पहचान वाले थे ना, पहले पुराने ज़माने में ऐसे ही जान पहचान में ही शादियाँ करते थे, तो फिर जान पहचान के थ्रू, तो पापा ने उससे फ़ोन पे लैंडलाइन हुआ करते थे, हमारे टाइम पे मोबाइल तो नहीं थे, तो लैंडलाइन पे उससे पूछा था उसके पापा से कि भाई आप क्या खाओगे। हमारे घर वाले जब लड़का वाला देखने आता था ना कोई, तो फुल ऑन एक्साइटमेंट रहता था हमारे घर में कि उसके लिए लंच बनेगा या डिनर पे आ रहा तो डिनर बनेगा। फिर लड़के वाला देखने आ रहा है, सिर्फ देखने आ रहा है, तो उनके लिए कभी हम शायद 1 या 2 के लिए, ज़्यादा के लिए तो नहीं, बट उसको देखने आते थे तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे कि अब शादी होगी, शादी होगी, हम नए कपड़े खरीदेंगे। तो हुआ ये था कि उस लड़के से पूछा उसके पापा से कि भाई क्या खाएगा लड़का, हम वो मंगवा देते हैं, लंच बना दे, दाल बाटी बाफले, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो वही चलता है, कोई आता तो बहन भाई। तो उसने बोला नहीं बेटे से पूछ के बताता हूँ, तो उससे पूछा था, बोला कि हल्का फुल्का स्नैक्स मंगवा लो पापा, क्या खाना। अब बेचारे का इंटेंशन ये था एक्चुअली कि हल्का फुल्का स्नैक्स, अब वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था स्नैक्स क्या होता है। अभी कोटा में ना हम इतना हाई फाई नहीं थे भाई, हाँ हमें नहीं पता था, और हमारे पापा को भी नहीं पता था। वो पूरे कोटा की सारी दुकानों पे जाके स्नैक्स है, स्नैक्स है, स्नैक्स है, ऐसा पूछा उन्होंने सीरियसली। उसके बाद एक शॉपकीपर ने बोला कि भाई साहब सब कुछ स्नैक्स ही होता है, आप कुछ भी ले जाओ। बोले यार कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, स्नैक्स क्या होता है ये। तो
फिर उस दुकानदार ने कहा आप चिंता मत करो मैं दे देता हूँ। तो उसने वो रोस्टेड काजू और रोस्टेड बादाम रोस्टेड मखाने और ये सब दे दिया। फिर मेरे पापा अपने ही मन से फिर मिठाई वगैरह भी लेकर आ गए। तो ये सीन था वो एक्चुअल। तो वो मैंने आज ऐसे ही इनेक्ट किया, मेरा मन किया, मैंने कहा यार उसको इनेक्ट करना। ऐसे क्लासिक सीन हुए हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा करने वाली नहीं हूँ मैं, आपको यही देखने में अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग अब मैं सीधा करवा चौथ पे बनाऊंगी, और तब तक बीच बीच में इस तरह के वीडियोस आई थिंक वो ज़्यादा आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के कॉमेडी वीडियोस मैं बनाऊंगी। तो मिलते हैं करवा चौथ के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।